नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। बिहार में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी का नज़ारा आज देखने को मिला, जहां एक ओर आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक युवती भी है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि रामनगर स्थित मंदिर के पास अपराधी किस्म के लोगों का जमावड़ा होता है। कोचिंग और स्कूल जाने वाले बच्चियों के साथ छेड़खानी भी की जाती है, जिसको लेकर पुलिस भी नींद की सांस लेती है। आज इसी को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच करने में जुट गई। रामनगर एक ऐसा जगह हो गया है कि वहां अपराधियों का जमावड़ा बराबर लगा रहता है। उसमें कुछ बच्चे, रेनुआ के कुछ बच्चे हैं जिनको किसी को ईंटा मार दिया है, छोड़ी मार दिया है, और अभी वहाँ की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन वहाँ एक चौकी बनाकर। आखिर किस कारण ये झगड़ा हुआ? आपसी वर्चस्व के कारण झगड़ा हुआ। एक लड़की है और दो लड़का है, दोनों को चाकू लगा है। दो चार लोग और हैं जिन लोगों को लाठी डंडा से लोग मारा है। पूरे हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संख्या 5-6 के आसपास है। अगर गाँव ही विवादित है और जिस गांव के लोग विवादित थे, अब वो लोग शरीफ हो गए हैं और वो लोग अब विवादित बनना चाहते हैं। जबकि दूसरी ओर सिवान मंडल कारा के अंगरक्षक वशिंद्र दत्त पांडे हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने बड़हरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अंगरक्षक की हत्या ड्यूटी पर जाने के दौरान कर दी गई थी। इसी मामले में अभी भी दो आरोपी फरार चल रहे हैं। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को सरेआम अंगरक्षक को हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन मोड़ पर अपराधियों द्वारा सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि ये हत्या के तार सिवान जेल से जुड़े हो सकते हैं। सिवान एसएसपी ने बताया कि सिवान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिससे ये गिरफ्तारी की। टीम ने बड़हरिया थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला से वजीर अंसारी को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि ये हत्या राजदेव हत्याकांड मामले में जेल में बंद लड्डन मियाँ के इशारे पर की गई है। किसी बात को लेकर जेल में अनबन हुई थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसे बताया जा रहा है कि मोबाइल के थ्रू दिशा निर्देश दिया जा रहा था और उसी के तहत किया गया। हम लोगों ने मिशन छापेमारी भी किए थे इस बात पे, और आप देखे भी हैं कुछ बार रिकवरी भी हुई है इस बात से। तो कोशिश चल रही है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो के। इस केस में सर रईस मियां का भी नाम आ रहा है, रईस खान का। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उसके नाम पे, अभी तो सिर्फ दो व्यक्ति का ही, तीन व्यक्ति का ही नाम आया है। अगर आप चाहते हैं तो दूसरी कार्रवाई होगी। सर इसी मामले को लेकर इधर 2-3 दिन पहले जेल में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, क्या इसकी सूचना है? क्या ऐसा बताया गया कुछ हुई थी बात, पर ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं लाया गया है और ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं आया है कुछ।